हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा कोल्ड है और मैं हो चुकी हूँ रेडी, यानी अभी 8 बजी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज हमको जाना है एक फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में। इनके घर का है इनॉग्रेशन, मेरे बुआ जी के लड़के के, वहाँ पर तो कल्याणपुर भी है, कल्याणपुर ही है, तो वहीं पर मम्मी पापा से सबसे वापस से मिलना हो जाएगा। अभी सुबह सुबह के काम निपटाते क्योंकि जल्दी से रेडी होकर जाना है। मम्मी तो अभी निकल रहे, थोड़ी देर के बाद अपन निकलेंगे, इसलिए कैमरा रख देती हूँ एक तरफ और बाकी के काम करके निपटा लेते हैं। कल रात को हम काफ़ी लेट आए थे तो थक भी गए थे, तो चिकू ने भी एडिटिंग रहने दी थी और अभी सुबह सुबह एडिटिंग कर रहे हैं। और आज तो क्या तबीयत की ठंड है और बादल छाए हुए, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और मुझे मेरे सॉक्स भी सुबह सुबह मिल नहीं रहे, तो उस वजह से इतनी ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और अभी मुझे साफ करना है मिट्टू का पिंजरा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। लेट्स गो मिट्टू। फिर खानू भी तो रखनी है तुमको। आप रे क्या ठंड है, तुमको ठंड लग रही है? चिकू मिट्टू के भी स्वेटर मंगवा दो ऑनलाइन, दे रहा है मेरे को दीदी, मंगा दो यू। है ना स्वेटर पहनोगे? काटोगे नहीं, बिल्कुल ऊपर चले जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ नीचे, थोड़ी बुला रही ऊपर जाओ, मैं पिंजरा तो साफ करूंगी, ऊपर आ जा, तू आज काटने के मूड में पूरा, ऊपर आ, ऐसे गुड बॉय की तरह ऊपर चले जाते हैं फिर पिंजरा साफ करने देते हैं, क्योंकि तुम गंदा भी तो बहुत करते हो ना, कितना गुड बॉय जैसे कर रहा है अब तो। अभी नहीं, अभी ऊपर ही रहो। खाने में इनको दिया है एप्पल और जामफल, और यहाँ पर भिगाए हुए चने और ये धनिए के जो होते हैं डंठल, वो ताकि इनको चबाना अच्छा लगता है ना। खाना हो गया, ये ऊपर चले जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ एक बार ऊपर कम यहाँ, ऊपर तू भी ऊपर आ जाओ। मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब हम बस हमको निकलना है, और मैंने तो कंप्लीट सब सामान वगैरह सब ले लिया है। अब ये पहन लेती हूँ जूते, और पास में हिम्मी और भाभी को बोल बुला देती हूँ, तो मिलके भी आ जाते हैं। ओ आप रेडी हो गई भी, तू कहाँ खा ले हो, तैयार था वही बेवाई क्यों है? मम्मी के घर से बस अभी निकल गए हैं और अब घर जा रहे हैं सीधा। मैं आ चुकी हूँ अभी घर पर, और यार ये ठीक घूम रहा है रे, देखे ये वाला नीचे वाला ढीला हो रहा है, ये वाला ढीला हो जाता है। जितने भी जने तुम मेरे को मिलते हो ना, यानी कभी भी, तो सामने चिकू चिकू ही करते हो, मैं चिकू के साथ में चिकू ही बोलती हूँ। और ये है मेरा गिफ्ट जो कि अभी मेरे को दे दिया, बैक कैमरे से दे रहे हैं, यानी मैं नहीं आऊँगा वीडियो में। और जो भी मेरे व्लॉग्स के मसड़े कर रहे हैं, जिनको भी दिक्कत हो, नहीं देखे हैं, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रही हूँ।
ये मेरी सैमसंग की वॉच न्यू आ गई है। मैंने आपको जैसे कि बताया था मेरी दो वॉचेस ख़राब हो चुकी थी और मेरे को वॉच के बगैर काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो ये मेरी डिजिटल वॉच आ गई है और अब इसका अनबॉक्स आपके सामने ही होने जा रहा है। और कलर तो मेरा फेवरेट ही आया, ऐसा लग रहा है देख के, फिर अंदर खोल के देखते कैसा है। ये मेरे को है ना प्रॉपर अनबॉक्सिंग आती नहीं है क्योंकि अनबॉक्स करने का काम हमारे जिको ही करते हैं। अच्छा वाव, अच्छा ये खुलता है क्या? इतनी सी वॉच है, इसका बेल्ट नहीं आया, आया अंदर। ये मेरी वॉच चालू हो गई है और अब इसको मेरे फ़ोन से कम्प्लीटली कनेक्ट किया जाएगा। और ये वॉच मेरे सब्सक्राइबर्स में भी इतने जनों को अच्छी लगी थी, सब जने मुझे वॉच का लिंक पूछ रहे थे, मैंने कितने जनों को तो कमेंट में इसका लिंक भी दिया था क्योंकि दिखने में यार बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वॉच। और मैंने रिटर्न भी ये वाली ही मंगाई चिकू को बोल के, और मुझे सच में तो पता नहीं था चिकू ने मेरे लिए ऑर्डर कर दिए। जब ये आने वाली थी तब चिकू ने मुझे बोला कि तुम्हें लिए ये वाली वॉच आ रही है और अब मैं इसको लगा दूँगी। लेट्स गो, ऊपर आ गया। जब तक मेरी वॉच कंप्लीट सेटअप हो जाती है तब तक मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। भले कहीं जाते हैं काम कुछ नहीं रहता पर थकान इतनी लग जाती है रेडी होते हैं तो। अब थकान लग गई है तो सब चेंज वगैरह करती हूँ, नॉर्मल घर के अवतार में आ जाती हूँ। रेडी हो गई है मेरी कंप्लीट और बस ये चीज़ पहना था। वाओ मेरी न्यू वॉच। अब काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि है ना मैं काम करती थी और कॉल्स वगैरह आते थे तो मैं इतनी इरिटेट हो जाती थी क्योंकि मैं पहले कॉल्स वगैरह वॉच से रिसीव कर लेती थी, पर जैसे कि मैंने आपको बताया घड़ी थी नहीं, ठाले ठाले अपन घूम रहे थे घड़ी के फिकर। और डिजिटल पसंद करने वाले नॉर्मल मगर नहीं पसंद आती है वॉच, और ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और ये शेड कितना अच्छा है, ब्राउन और गोल्डन, गोल्डन भी नहीं है ये थोड़ा रोज गोल्ड टाइप का, जो कि सब साड़ियों के ऊपर सूट के ऊपर भी अच्छा लगता है। अभी सूट के ऊपर भी कितना अच्छा लग रहा है ना, है ना? हाँ यार मेरे हाथ में ऐसी बहुत अच्छी लगती है ना, अब कैसे लग रही है? चलो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ क्योंकि मेरे को बहुत थकान लगी है। चलो रेस्ट तो हो गया है, अब चलते हैं शॉप पे, वहाँ पे मंगल करके आते हैं। आज तो ज्योति अकेली है इसलिए, ज्योति अकेली है। शॉप पे आए थे और शॉप पर बिना दीदी का हम पार्सल रेडी कर रहे थे, जो कि जो हमारी शॉप, हमारे जो शॉप करो का आउटलेट है, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं वो बिना दी के पास जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो सलोन खोला है उसके अंदर वो भी ये वाले प्रोडक्ट रख रहे हैं और वहाँ पर इन प्रोडक्ट्स का होगा डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको अगर आप उदयपुर से हैं तो परचेस करना हो तो भी कर सकते हो क्योंकि सारे प्रोडक्ट वहाँ पर अब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और वही चीज़ मैंने आपको दो तीन ब्लॉग पहले भी बोली थी जब इनॉग्रेशन हुआ था, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है और अच्छा मिलता रहे अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हो तो। अभी मैं जा रही हूँ घर पे, जल्दी जल्दी से कैमरा ऑफ कर देती क्योंकि इसके अंदर हो गई बैटरी लो, जो शूट किया है वो करप्ट हो जाएगा नहीं तो। सकोविया की जोरदार किचन आई है, घर जाके बताती हूँ। अभी आ गई हूँ घर पे, बैटरी लो थी इसलिए शॉप से आते आते कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी हमारे मिट्टू राजा को लग गई है भूख तो इनको वापस से दे देते हैं खाना, इनकी प्लेट अंदर खाली हो चुकी है। खाना दे दे, दे दे खाना, इधर तो इतना बोल रहे थे अभी बोलेंगे ही नहीं, कम नहीं है, वीडियो चालू की तो चुप हो गए, नाटक। भाई साहब शांति 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 मिट्टू, ले इतना खा रहे ना, वो खाएगा तो ही खाना है तेरे को, तू खा ले इतना रखा है खा। इनको दे दिया है खाना, अब अपने खाने की व्यवस्था करते हैं। प्लान में हुआ है चेंज, खाना हम मेरे लिए हमारे लिए नहीं बना रहे हैं। आज हम सब जने फंक्शन में गए थे तो बेचारे चिकू अकेले अकेले पड़ गए थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, हम दोनों ने सोचा कि खाना हम होटल में खा के आते, तो मेरे को तो फ्राई राइस ही खाने, मेरे को तो पूरा खाना खाना, तो तुम्हारे साथ चलो खा लूँगी फुल डाइट लेनी। तो जा रहे हैं अभी जेपी, हमारी सदाबहार होटल। और सच में इसके मुकाबले खाना, अगर आप आसपास के कहीं के भी हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना और आपको
लगता है कि यहाँ पर वेज बहुत अच्छा मिलता है, पर आप एक बार जनपद का वेज टेस्ट करके देखना, बहुत ज़बरदस्त का टेस्टी है। मेरे को आज तक जनपद जैसा वेज खाना कहीं पर भी टेस्टी नहीं लगा है। तो हम बस जा रहे हैं हमारी जो रेगुलर होटल है, और बहुत टेस्टी खाना मिलता है। और वहाँ पर तो चिकू के 15 साल से एक ही फिक्स है, जो सब्जी है पनीर भुर्जी और प्लेन रोटी, वो भी कड़क, और साथ में थोड़ा सा हाफ फ्राइड रेड टाइप का पापड़ और सलाद। फिक्स वहाँ जाके यही मेन्यू जाएगा, भले कितना भी हो जाए। तो बस वहाँ पहुँचते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:05। खाना खा लिया है, अभी खा रहे हैं कौन, क्योंकि चिकू को और मुझे दोनों को कुछ मीठा खाने को चाहिए खाने के बाद, यानी तो अभी कौन वगैरह खा रहे हैं। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत टाइम के बाद आए जैसा लग रहा था। बस वही, और चिकू वहाँ पर खड़े खड़े उनकी आइसक्रीम को इंजॉय कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर कौन खा रही हूँ क्योंकि मुझे चॉकलेट कॉर्न बहुत पसंद है, और कौन मेरा बाकी है खाना पूरा खा लेती हूँ। अब घर पर आ गए हैं, और ये बड़ा वाला गेट है वो खोल गई है, और ये जेटा एंटर कर दीजिए। तो बस अब घर आ गए हैं, पूरा दिन काफ़ी बिजी रहा था, और हम भी होटल खाना खाने चले गए थे, थोड़ा एंजॉयमेंट हो गया। चिकू बेचारे आज घर पे ही थे, सब जने बाहर गए थे, ये भी काफ़ी बोर हो गए थे, पर फिर शाम को हम होटल चले गए तो वो काम अच्छा हो गया। और अब यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय, बहुत ठंड लग रही है बाहर।